नमस्कार, मैं अनुष्का बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पटना एम्स के डॉक्टरों ने सोमवार को हड़ताल पर जाने का किया ऐलान। सोशल मीडिया पर कोरोना संबंधित पोस्ट डालने से पहले कर ले विचार। 9 दिन बाद भी DMCH के ICU में भर्ती है पप्पू यादव। अगले 24 घंटे के दौरान मौसम बना रहेगा शुष्क। देश भर में कोरोना मामलों में आ रही है कमी। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। आवास योजना के तहत जल्द रुपए देने के दिए गए आदेश। बिहार में आश्रयहीन व गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना व मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए तुरंत रुपए दिए जाएंगे। इसे लेकर बीते दिन CM नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की, जिसके तहत उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द गरीबों को इस योजना का लाभ देने का निर्देश दिया है। इसके तहत घर बनाने के लिए उन्हें राशि मुहैया कराने की बात कही गई। इस दौरान घर बनाने के क्रम में ग्रामीणों को रोजगार भी मिल सकेगा। इसके साथ ही बैठक में CM नीतीश कुमार ने कहा कि जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक आहार पैन पोखर को अतिक्रमण से मुक्त कराने के दौरान जो भी परिवार आश्रयहीन हो गए हैं उन्हें भी जल्द आवास योजना मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना का लाभ दिलाया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य समुदाय के अत्यंत निर्धन बड़े परिवारों को सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत मुख्य धारा में जोड़ने को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। पटना एम्स के डॉक्टरों ने सोमवार को हड़ताल पर जाने का किया ऐलान। पटना स्थित एम्स में कोरोना महामारी के दौरान सिर्फ बिहारी नहीं बल्कि राज्य के अन्य जिलों के मरीज भी इलाज के लिए आते हैं और फिलहाल बड़ी संख्या में मरीज इलाजरत भी हैं। इस बीच पटना एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपनी मांगों के पूरा होने तक एम्स प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर सोमवार तक उनकी लंबित मांगे नहीं मानी गई तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष का इस संबंध में कहना है कि डॉक्टरों के कोरोना संक्रमित होने पर उन्हें अस्पताल में ही बेड मुहैया नहीं कराया जा रहा है। उनकी मांग है कि एम्स में ऑक्सीजन युक्त 20 बेड और ICU में कम से कम 2-3 बेड एम्स के डॉक्टरों के लिए रिजर्व रखे जाएं। इसके अलावा अन्य अस्पतालों की तरह ही कोविड ड्यूटी के बाद 8 दिन का क्वारंटीन ऑफ के साथ ही डॉक्टरों को इंसेंटिव भी दिया जाए। आपको बताते चले कि पटना एम्स में 300 रेजिडेंट डॉक्टर हैं और अगर इन्होंने काम करना बंद कर दिया तो कोरोना महामारी के बीच यह सबसे बड़ा संकट होगा। अगले 24 घंटे के दौरान मौसम बना रहेगा शुष्क। राज्य में पिछले 3-4 दिनों से चक्रवाती असर के कारण मौसमी सिस्टम में बदलाव देखने को मिला और कई हिस्सों में बारिश और तेज हवा के साथ ही तापमान में गिरावट रही। वहीं अब फिलहाल कोई प्रभाव सिस्टम में नहीं दिख रहा है, जिस वजह से अगले 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि 1-2 स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होने के आसार है, जबकि शेष भाग में मौसम शुष्क बना रहेगा और पारा ऊपर चलेगा। इस दौरान बीते 24 घंटे में बरौली, हथवा और दिनारा में 9 मिलीमीटर, छपरा, जलालपुर, चकिया और साहिबगंज में 8 मिलीमीटर, मोतिहारी, केसरिया और हसनपुर में 7 मिलीमीटर, बाढ़, मोहनिया और मधेपुरा में 6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं अधिकतम तापमान भागलपुर में 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कालाबाजारी व जमाखोरी करने वालों पर सरकार उठाएगी कड़ा कदम। राज्य में महामारी के दौर में भी कुछ ऐसे भी हैं जो कालाबाजारी व मुनाफाखोरी से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में पता लगने पर सरकार सख्त कदम उठाएगी। इस बारे में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भी स्थिति को गंभीरता से लेते हुए सभी विधायकों से आह्वान किया है कि इसके तहत विधायकों को ऐसे लोगों के बारे में पता करके प्रमाण के साथ विधानसभा में शिकायत करने को कहा गया है, जिसके जांच के बाद वे खुद सरकार से कार्रवाई की अनुशंसा करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसे जमाखोर अस्पताल प्रबंधनों, चिकित्सकों व जमाखोरियों को मौत का सौदागर कहकर करार दिया है और उनके खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की बात कही है। सोशल मीडिया पर कोरोना संबंधित पोस्ट डालने से पहले कर ले विचार। अगर आप सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं और कोरोना से संबंधित कोई भी पोस्ट बिना जानकारी व तथ्य के शेयर करते हैं तो उससे पहले एक बार विचार लें, क्योंकि प्रशासन अब सभी पोस्ट पर नजर बनाए रख सकता है। ऐसे में किसी भी तरह की भ्रामक अफवाह कोरोना को लेकर अगर फैलाई जाती है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। दरअसल बिहार में संक्रमण के केस लगातार घट रहे हैं और कुछ लोगों के द्वारा कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत का गलत पोस्ट अपलोड कर लोगों के मन में भय का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ऐसे लोगों पर नकेल कसने की तैयारी कर रहा है। हालांकि अफसरों ने इस बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसे लेकर पूरी तैयारी चल रही है। बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए DMSP को दिए गए सख्त निर्देश। राज्य में बालू के अवैध खनन का मामला अक्सर ही आता रहता है, वहीं कई बार इसमें स्थानीय पुलिस व दबंगों की मिलीभगत की बात भी उजागर होती है। ऐसे में बिहार के मुख्य सचिव ने इस बात को गंभीरता से लिया है। इसके तहत उन्होंने खासकर पटना, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद और सारण के DM और पुलिस अधीक्षक से नियमित और सघन जांच अभियान चलाने की बात कही है। साथ ही जिले में कहां कहां अवैध खनन हो रहे हैं इसे चिन्हित कर चेक पोस्ट बनाकर छापेमारी करने का निर्देश भी जारी किया है। वहीं इस क्रम में सीमा विवाद में ना उलझते हुए आपस में सामंजस्य बनाकर अवैध बालू खनन से जुड़े लोगों को पकड़ने को कहा गया है। आपको बताते चले कि सूबे में बालू के अवैध कारोबार के खिलाफ पिछले 3 सप्ताह से लगातार कार्रवाई हो रही है। इसके तहत पटना समेत 6 जिलों में पिछले 20 दिनों में 155 केस दर्ज हुए हैं। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं सबसे ज्यादा केस रोहतास में दर्ज किए गए हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खर्चे का ब्यौरा हुआ सार्वजनिक। 2020 में हुए बिहार विधानसभा के चुनाव के करीब 6 महीने बीत चुके हैं और चुनाव में जीतने के लिए प्रचार प्रसार में हर पार्टी ने करोड़ों रुपए उड़ाए थे। अब एक रिपोर्ट से यह बात सामने आई है कि 2020 के बिहार चुनाव में बीजेपी ने अपने केंद्रीय मुख्यालय के खातों से लगभग 26.7 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ जैसे स्टार प्रचारक शामिल हैं। इसके मुताबिक पार्टी की बिहार इकाई ने इस दौरान कुल 28 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता के रूप में उसने 16.5 करोड़ रुपए खर्च किए। इसके तहत पार्टी की ओर से सभी उम्मीदवारों को 15-15 लाख रुपए दिए गए थे। पार्टी ने खर्च का यह ब्यौरा मार्च महीने में जमा किया था, जिसे आयोग ने शुक्रवार को सार्वजनिक किया। बीजेपी की बिहार इकाई ने मीडिया के जरिए विज्ञापनों के लिए 16 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए, जिसमें गूगल इंडिया को 1.59 करोड़ रुपए दिए गए थे। आपको बताते चले कि चुनाव आयोग के अनुसार बिहार जैसे राज्य में कोई उम्मीदवार 30.8 लाख रुपए तक विधानसभा चुनाव में खर्च कर सकता है। हालांकि किसी राजनीतिक दल द्वारा किए जाने वाले खर्च की कोई सीमा तय नहीं है। ऑनलाइन क्लास से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे की पढ़ाई हो रही है बाधित। कोरोना ने बच्चों की पढ़ाई को पिछले 1 साल से प्रभावित कर रखा है और सबसे ज्यादा असर सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों पर हुआ है, जो संसाधनों की कमी के कारण ऑनलाइन पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहे हैं। इस क्रम में पटना जिले के कार्यक्रम अधिकारी ने बताया है कि जिले में 1 से लेकर 8 तक की कक्षाओं में कुल 5,73,008 बच्चों का नामांकन है, जिसमें से मात्र 20% बच्चे ही ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ निजी विद्यालयों में 50% से अधिक बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। वही हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बिहार शिक्षा परियोजना की ओर से तैयार सिलेबस को दूरदर्शन के जरिए पढ़ाया जा रहा है, जिसके तहत 9वीं, 10वीं, 11वीं व 12वीं के छात्रों को 1-1 घंटे तक दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई कराई जाती है। वहीं 1 लाख से अधिक छात्रों के पास किताबें नहीं पहुँच पाने के कारण पढ़ाई मानो ठप ही हो गई है। बाढ़ में सड़कों के टूटने पर सरकार अपनाएगी यह खास तरीका। बिहार में हर वर्ष बाढ़ के कारण सड़कों को काफी नुकसान होता है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नई पुरानी सभी सड़कें टूटने लगती है, जिससे आवागमन काफी बाधित होता है। वहीं पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक की, जिसमें सड़कों के टूटने पर 48 घंटे के अंदर उन्हें ठीक कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। वहीं इस दौरान आवागमन को चालू रखने के लिए उन्होंने बेली ब्रिज का उपयोग करने की बात कही। इस दौरान मंत्री ने कहा कि विभाग के पास 1,000 मीटर का बेली ब्रिज उपलब्ध है। अगर कहीं से भी पुल क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिलती है तो इसका उपयोग कर 3 दिनों के भीतर आवागमन को चालू कर पाना संभव हो सकेगा। इसके साथ ही 31 मई तक राज्य के सभी पुल, पुलियों, नालों इत्यादि को दुरुस्त करने को लेकर भी आदेश जारी किया गया है। राज्य सरकार ने 7 निश्चय व मेगा प्रोजेक्टों के प्रगति की मांगी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना के तहत कई जिलों में इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, आईटीआई सहित कई महत्वपूर्ण भवन का निर्माण किया जाना है, जिसे लेकर भवन निर्माण विभाग ने इससे जुड़ी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट अधिकारियों से मांगी है। इसके तहत विभाग के संयुक्त सचिव वर्षा सिंह ने शुक्रवार को विभाग के सभी कार्यपालक अभियंताओं को पत्र लिखकर निर्माण की अद्यतन जानकारी 30 मई तक देने की बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इनके पूरे होने में जितना भी धन लगेगा वह राशि तुरंत उपलब्ध करा जाएगी। आपको बता दें कि 7 निश्चय एवं मेगा प्रोजेक्ट की सूची में कुल 27 योजनाएं शामिल हैं, जिसमें मेगा प्रोजेक्ट में बिहार पुलिस भवन का निर्माण, मुंगेर के वानिकी महाविद्यालय के भवन का निर्माण, पटना सिटी में कम्युनिटी सेंटर, मोतिहारी एवं बेतिया में प्रेक्षागृह, पटना सिटी में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण, राजगीर में क्रिकेट स्टेडियम, गर्दनीबाग में बापू टावर, विधानसभा एवं पटना हाईकोर्ट का विस्तार आदि की महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। लालू की बेटी ने ट्विटर अकाउंट अनलॉक होते ही कर दी ट्वीट्स की बौछार। बिहार में ट्विटर की राजनीति जोरों शोरों से चल रही है और इस बीच लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की सक्रियता ने सरकारी पक्ष की मुश्किलें बढ़ा दी है। बीते दिन जहां सुशील मोदी ने रोहिणी के द्वारा किए गए एक ट्वीट को आपत्तिजनक बताते हुए उनके अकाउंट को रिपोर्ट किया था, जिसके बाद ट्विटर ने रोहिणी के खाते को लॉक कर दिया था, वहीं अब लालू यादव की बेटी के ट्विटर अकाउंट को ट्विटर ने 17 घंटे के बाद फिर से अनलॉक कर दिया है। जिसके बाद अकाउंट के अनलॉक होते ही रोहिणी ने फिर से ट्वीट्स की बौछार कर दी और लिखा कि लो मैं फिर से आ गई बिहार की जनता की आवाज बनकर। उसके बाद उन्होंने ट्वीट के जरिए राज्यसभा सांसद सुशील मोदी को नौटंकी कहने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी इशारों में निशाना साधा है। वहीं अपने पिता आरजेडी प्रमुख लालू यादव की तारीफ भी की है। 9 दिन बाद भी डीएमसीएच के आईसीयू में भर्ती हैं पप्पू यादव। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव बीमार होने के 9 दिन बाद अब भी डीएमसीएच के आईसीयू में ही है। हालांकि बीपी और शुगर लेवल में सुधार होने के साथ ही उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है, लेकिन अभी उन्हें गहन चिकित्सा कक्ष में ही रहना होगा। इसके बारे में मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश चंद्र झा ने बताया कि पप्पू यादव की हालत पहले से काफी बेहतर है, उनका बीपी और शुगर कंट्रोल में है। इसके अलावा उनके इलाज के लिए अलग से चिकित्सक और पैरामेडिकल कर्मियों की तैनाती 24 घंटे के लिए की गई है। इस बीच जाप सुप्रीमो पुत्र सार्थक रंजन ने उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है। वहीं आईसीयू में भर्ती होने के बाद भी पप्पू यादव बिहार की राजनीति के हालचाल ले रहे हैं और सरकार पर किसी मुद्दे पर टिप्पणी करने से नहीं चूक रहे हैं।
जमुई सदर अस्पताल में पीपीई किट पहनकर मंत्री ने जाना मरीजों का हाल। बिहार सरकार में विज्ञान व प्रावैधिकी विभाग के मंत्री सुमित सिंह ने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जमुई सदर अस्पताल पहुंचकर वहां भर्ती कोरोना मरीजों का हाल जाना। वहीं इस दौरान उन्होंने पीपीई किट पहना था। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना मरीजों से इस लड़ाई में साथ होने की बात कहकर हौसला को भी बढ़ाया और सुविधाओं का जायजा लिया। वहीं सिविल सर्जन से बातचीत के दौरान उन्होंने इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने मरीजों के खान पान सहित अन्य देखभाल पर विशेष जोर देने की बात कही ताकि उनकी रिकवरी जल्दी हो सके। इस दौरान सिविल सर्जन ने भी बेहतर व्यवस्था देने को लेकर पूरा प्रयास करने की बात कही। TVF की चर्चित वेब सीरीज एस्पिरेंट्स विवादों में घिरी। TVF एस्पिरेंट्स वेब सीरीज हाल ही में फैंस के बीच पेश की गई थी, जिसे युवा वर्ग द्वारा हद से ज्यादा पसंद किया जा रहा है और इसको आम जिंदगी से जोड़ने वाला बता रहे हैं। वहीं अब सीरीज को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल हिंदी के लोकप्रिय युवा लेखक नीलोत्पल मृणाल ने TVF एस्पिरेंट्स पर चोरी का आरोप लगाया है। उनके इस बयान के बाद से हर कोई हैरान रह गया है। नीलोत्पल मृणाल का कहना है कि सीरीज में उनकी कहानी है। इसके बाद सोशल मीडिया पर TVF एस्पिरेंट्स के खिलाफ यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा है। DNA की खबर के अनुसार हिंदी में एक लंबे फेसबुक पोस्ट में नीलोत्पल मृणाल ने दावा किया है कि TVF की नवीनतम वेब सीरीज एस्पिरेंट्स उनके 2015 की किताब डार्क हार्ट्स। DNA की खबर के अनुसार हिंदी में एक लंबे फेसबुक पोस्ट में मृणाल ने दावा किया है कि TVF की नवीनतम वेब सीरीज एस्पिरेंट्स में उनकी 2015 की किताब डार्क हार्ट्स पर आधारित है। आपको बताते चले कि यह वेब सीरीज दिल्ली के राजेंद्र नगर में रहने वाले UPSC उम्मीदवारों के जीवन पर आधारित है। देश भर में कोरोना केसेस में आ रही है कमी। देश भर में आज फिर से 3 लाख से कम मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,57,299 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं इस दौरान कुल 4,194 मरीजों की जांच ली गई है। वहीं 3,57,630 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद देश भर में कुल एक्टिव केसों की संख्या 29,23,400 हो गई है। वहीं अगर बात हम अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन के बीते 24 घंटे में कुल 5,154 नए कोरोना केस आए हैं। वहीं इस दौरान कुल 10,151 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 49,311 हो चुकी है। वहीं अच्छी खबर यह है कि बिहार में मामले लगातार घट रहे हैं और रिकवरी रेट बढ़ते जा रहे हैं, जो कि बढ़कर 92.12% हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार कोरोना काल में सरकारी स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।